हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 16 सितंबर 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर का न्यूज़पेपर को। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले कल के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इसका सही आंसर है हिंदी। हिंदी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, स्पेनिश, चाइनीज और रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। और दूसरा क्वेश्चन था, दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट था यूनाइटेड नेशन हैज़ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, जो बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट था ऑल प्रिंसिपल ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर हो गया इसका ओनली ए स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को किस आर्टिकल के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। इसका सही आंसर है आर्टिकल 338A, यानी कि सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नर्मदा रिवर का ओरिजन कहाँ से होता है, विंध्यन माउंटेन, सतपुरा माउंटेन, अमरकंटक प्लेट्यू या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है नर्मदा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये थे क्वेश्चन। अब आज की पहली न्यूज़ है हिंदी के बारे में। हिंदी को लेकर होम मिनिस्टर के द्वारा हिंदी दिवस के दिन स्टेटमेंट दिया गया था कि हिंदी कुड बी यूज टू यूनाइट द कंट्री, और हिंदी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए होम मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, जिसको अपोज किया गया ऑपोजिशन के काफ़ी लीडर्स के द्वारा और स्पेशली साउथ इंडिया के लीडर्स के द्वारा। साउथ इंडियन लीडर्स का ऐसा मानना है कि हिंदी को उन पे इम्पोज किया जा रहा है, और इसलिए होम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहाँ पर हिंदी के को लेकर इसको प्रमोशन, इसके प्रमोशन और इसके ओपोजिशन में पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए गए हैं। हम मेनली, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हिंदी के बारे में जानना, तो हिंदी के बारे में इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है उसको भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, और इसके साथ ही इंग्लिश भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अभी के टाइम में हिंदी रिटन इन देवनागरी लिपि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, और उसके साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। अभी के टाइम में करेंटली करीब 12 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, उसमें हिंदी शामिल है। बट उन 12 लैंग्वेज जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है उसमें इंग्लिश शामिल नहीं है। और अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो इंडिया में अभी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यानी कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज अभी नहीं है। हिंदी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है और ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। और जिन स्टेट्स के द्वारा हिंदी को अपनी लैंग्वेज नहीं माना जाता है, मेनली जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उनके द्वारा इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आज के डेट में हम बोलेंगे कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज हमारी अभी तक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। अब हिंदी जो अगर हम दुनिया भर में देखें तो चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, और दुनिया में जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है मैंडरिन। मैंडरिन यानी चाइनीज़ लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद नंबर आता है इंग्लिश और स्पेनिश का। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का 17वां पार्ट है, पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रोविज़न से डील करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 यानी 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 343 में बताया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड विच इज़ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश। तो अभी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी दो हैं, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और उसके साथ ही इंग्लिश भी, इंग्लिश का भी यूज़ किया जाता है हिंदी के साथ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है संविधान का, आर्टिकल 351 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट को एक तरह से ड्यूटी बाउंड करता है टू प्रमोट एंड स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज। तो आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, हिंदी और इंग्लिश। और आर्टिकल 351 में इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट के द्वारा किस तरह से हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट और स्प्रेड किया जाना है उसके बारे में बताया गया। तो दो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 343 और 351, ये हिंदी के बारे में लेके
बोले गए हैं। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। उसके बाद भी ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 में और अलग अलग स्टेट्स के द्वारा अलग अलग रूल्स निकाले गए सो दैट ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं उनको टैकल किया जा सके। नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस हिंदी को जो दिया जाना है वो काफ़ी लंबे टाइम से डिबेट चल रही है, 1960 से, इवन आज़ादी के बाद से ये डिबेट चल रही है और 1960s में इस बारे में काफ़ी वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। स्टार्टिंग में जब से देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लिश को 15 साल के लिए ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाने की बात की गई थी और 1965 तक इंग्लिश को यूज़ करना था, बट जैसे ही 1965 की डेट पास आती चली गई साउथ इंडियन स्टेट्स के द्वारा यानी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ के द्वारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरे कंट्री में हिंदी लगा दी जा रहा और जो स्टेट्स हिंदी को फॉलो नहीं कर रहे उन पे हिंदी इम्पोज कर दी जाए। तो इस कारण 1960s में कंट्री में काफ़ी वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे, जिसके कारण 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया और हिंदी के साथ ही साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और इंग्लिश को 1965 के बाद भी एक्सटेंड किया जाएगा, ऐसी बात कही गई। उसके बाद भी 1967 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें ऐसा बोला गया कि इंग्लिश हिंदी के साथ यूज़ की जा सकती है और जब तक कोई स्टेट अपनी असेंबली में रिजोल्यूशन पास करके ऐसा ना बोल दे कि इंग्लिश उसके द्वारा यूज़ नहीं की जाएगी तब तक इंग्लिश को रोका नहीं जाएगा। तो एक तरह से नॉन हिंदी स्टेट्स को एश्योर करने के लिए, शांत करने के लिए ये प्रोविज़न, ये अमेंडमेंट किया गया 1967 में। तो अभी के टाइम में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की और कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर हिंदी दिवस के दिन होम मिनिस्टर के द्वारा हिंदी को प्रमोट करने की बात की गई थी और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज किस तरह बनाया जाए उसके बारे में बोला गया था, जिसको अपोज किया गया काफ़ी साउथ इंडिया के लीडर्स के द्वारा। तो ये पूरा मुद्दा है, ये बैकग्राउंड समझ लिया हमने हिंदी के बारे में। यहाँ पर दूसरी न्यूज़ है, इससे पहले एक न्यूज़ है, यहाँ पर एक ट्रेजिक न्यूज़ है। गोदावरी रिवर में जो ऑलरेडी फ्लडेड है, काफ़ी बाढ़ की कंडीशन बनी हुई है, गोदावरी के आसपास के एरिया ऑलरेडी बाढ़ से जूझ रहे हैं और उसके बाद गोदावरी में टूरिस्ट को ले जाने वाली नाव के डूब जाने के कारण, पलट जाने के कारण और डूब जाने के कारण करीब 8 लोगों की डेथ हो गई और 37 लोग अभी भी मिसिंग हैं। और इसका जो कारण है वो बताया जा रहा है कि जो वेसल है वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स से नहीं ले जाए जा रहे थे और उनको नाव चलाने के लिए जो ऑपरेटर था वो प्राइवेट ऑपरेटर था, उन्हें परमिशन भी नहीं दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेलियर कहा जा सकता है और जो बिना परमिशन के अगर कोई नाव टूरिस्ट को इतने बड़े लेवल में ले जा रही है और उस घटने का उसके बाद ऐसी ट्रेजिक एक्सीडेंट देखने को मिला। नेक्स्ट न्यूज़ है, NRC विल बी कंपाइल्ड इन हरियाणा टू। अब हरियाणा में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है कि अगर दोबारा चुन के आती है इनकी सरकार तो हरियाणा में भी NRC कराई जाएगी। NRC क्या है? NRC काफ़ी न्यूज़ में पिछले कुछ टाइम से है, क्योंकि NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न असम में कंपाइल किया जा रहा है और कंपाइल हो चुका है, 31 अगस्त को ये फाइनल इसकी लिस्ट इसमें लोगों के नाम पब्लिश किए गए। तो एक तरह से जेन्युइन सिटीजन जो इंडिया के हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया गया असम में और वैसे ही काम किया जाएगा हरियाणा के द्वारा, ऐसा कहना है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का। अब किस तरह से ये बात होगी अब चुनावों के बाद पता चलेगा। अभी सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े ऑयल रिज़र्व पे अटैक किया गया यमन के द्वारा और उसके कारण सऊदी अरेबिया की ऑयल सप्लाई काफ़ी हद तक रुक गई है, काफ़ी हद तक उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। करीब 6% ग्लोबल सप्लाई इससे हैम्पर हो सकती है, इससे कम हो सकती है, 6% का डिफरेंस आएगा। तो सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े ऑयल रिज़र्व पे ये अटैक होने के कारण ऑयल जो सप्लाई है ग्लोबल मार्केट में कम हो सकती है, जिसके कारण रेट भी चेंज होने की संभावना, रेट बढ़ने की संभावना है। बट सऊदी अरेबिया के द्वारा ऐसा बोला गया है कि ये जो रेट सप्लाई का कट हुआ है इस पर्टिकुलर अरेमको प्लांट में अटैक के कारण
इसको कंपेंसेट किया जाएगा इसके बाकी रिजर्व के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जो सप्लाई किया जाता है ऑयल और पेट्रोलियम उनके द्वारा दूसरे देशों में, उसमें कमी नहीं आएगी, और दूसरे रिजर्व जो दूसरी लोकेशंस पे हैं उनके द्वारा उस कमी जो सप्लाई इस प्लांट से हुई है उसको पूरा किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में न्यूज़ वर्ल्ड का जो पेज आता है उसमें देखेंगे हम लोग। एक और न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो प्रोटेस्ट है हांगकांग में जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब प्रोटेस्टर्स के द्वारा यूनाइटेड किंगडम से गुहार लगाई गई है कि यूनाइटेड किंगडम उनके सपोर्ट में आए। बेसिकली 1997 तक हांगकांग यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी था, यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी था, और उसके बाद 1997 में यानी कि 1997 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हांगकांग का एरिया चाइना को हैंडओवर किया गया बेस्ड ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशन। अभी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थी ये अगले 50 साल तक वैलिड होने हैं ऐसा माना गया चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्हीं के बेसिस पे ये जो ट्रांसफ़र है पावर वो की गई। बट अभी जो प्रोटेस्टर हैं हांगकांग के, वो ऐसा ब्लेम कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट उन पर डेमोक्रेटिक रूल नहीं, मतलब डेमोक्रेसी के हिसाब से रूल नहीं बना रही, वो अपने जो डिक्टेटरशिप के रोल या जो उनके यहाँ उनके मेनलैंड में जो रूल्स और रेगुलेशन चल रहे हैं वो हांगकांग पे थोपना चाहती है। तो जिसके कारण हांगकांग में बड़ी संख्या में लोग इसके अगेंस्ट निकले हैं, और उन्होंने इतने बड़े स्ट्रगल के बाद, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट के बाद अब यूनाइटेड किंगडम से हेल्प मांगी है कि यूनाइटेड किंगडम आगे आए और अपनी फॉर्मल कॉलोनी के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करे। तो ऐसी बात की गई है, और अब देखने वाली बात होगी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किस तरह का कदम उठाया जाता है। अगली न्यूज़ है गूसबेरी के बारे में, गूसबेरी कैंडी रेस्क असम न्यूट्रिशनल ड्राइव। अब असम न्यूट्रिशनल ड्राइव की बात की गई है, लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो इंडिया में जो भी लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या जो भी मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं उनमें विटामिन्स और आयरन और फोलिक एसिड्स की कमी को पूरा करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अलग अलग सेंटर्स के द्वारा। बट असम में कुछ समय पहले ऐसी न्यूज़ आई थी कि आयरन और फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो रिएक्ट कर रही हैं और उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा रही है जितना इनको पहुँचाना चाहिए, जिसके कारण वहाँ की जो मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उन्होंने इन टैबलेट्स को लेने से मना कर दिया, जिस कारण से एक अच्छा न्यूट्रिशन अगर प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं मिलेगा तो उसकी हेल्थ के लिए और होने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए भी काफ़ी बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो अगर हम बात करें 2015 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को देखें तो करीब 47% वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में जो हैं वो एनेमिक हैं असम के एरिया में, और इतने बड़े लेवल पे अगर एनीमिक है, जो खून की कमी है उनमें, तो अगर वो बच्चे को जन्म देती हैं तो बच्चे की सेहत भी काफ़ी प्रभावित हो सकती है। तो इसके लिए आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है सो दैट जो कमी है न्यूट्रिशन की वो पूरी की जा सके। बट अब इस रिपोर्ट के कारण आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट हेल्थ को निगेटिव इम्पैक्ट कर रही है इस रिपोर्ट के कारण, जब मदर्स के द्वारा ये टैबलेट लेने से मना कर दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोडक्ट के साथ आया और एक नया इनोवेशन लाया गया। और यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट लेने बंद कर दिया गया, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था या ऐसा मिथ फैल गया है कि इन टैबलेट्स को लेने के कारण सेहत पर इम्पैक्ट निगेटिव पड़ेगा और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। इसके कारण इन टैबलेट्स का कंजम्पशन प्रेग्नेंट मदर में कम हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इन टैबलेट के द्वारा जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा था वो चूंकि टैबलेट नहीं ली जा रही है प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा, तो उनको उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया पोषण माह या न्यूट्रिशनल मंथ के नाम से। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा डिसाइड किया कि रोजबेरी टाइप की एक कैंडी बनाई गई और वो महिलाओं को दिया गया। अब रोजबेरी क्या है, रोजबेरी एक राउंड कलर का आंवला और गुड़ का मिक्सचर है और उसको सॉल्ट के साथ
रैप किया जाता है, यानी कि सॉल्ट उसमें डाला जाता है, आंवला जगरी यानी गुड़ और सॉल्ट मिलाया जाता है। तो न्यूट्रिएंट जो भी हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये बहुत ही रिच है विटामिन सी से, चूँकि आंवला है विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आंवला में, विटामिन सी अच्छा होता है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है, और गुड़ और जो जगरी होता है इसमें आयरन विटामिन वाइटल विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा काफ़ी तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आंवला गुड़ और सॉल्ट के मिक्सचर से ये नई कैंडीज स्टार्ट की गई जो आयरन और फोलिक एसिड की कमी को पूरा कर रही है अब महिलाओं में। तो जो प्रॉब्लम थी न्यूट्रिशन की प्रेग्नेंट वुमेंस में वो प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दी गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। रोजबेरी कैंडी इज़ ए होम मेड रेसिपी और ये घर में बनाई जा सकती है, और आयरन फोलिक एसिड जो ले रहे हैं उसके साथ भी ले सकते हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो इनसे भी न्यूट्रिशन की कमी पूरी की जा सकती है। अगर वुमेन और चिल्ड्रेन टैबलेट्स को अवॉइड कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से विटामिन और डिफिशियंसी को टैकल करने में कारगर साबित हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा कदम है, और वुमेन में जो प्रेग्नेंट वुमेन में न्यूट्रिशन है उसके लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल माना जा सकता है इसको। अब यहाँ पर एक स्कीम के बारे में दिया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना, इसमें कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं, ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बना के। प्रधानमंत्री वन धन योजना, मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम, ये इसकी टैगलाइन है। और इसमें जो प्रोविज़न है, करीब 30,000 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे हर साल, मतलब हर साल करीब 30,000 वन धन सेल्फ ग्रुप बनाए जाएंगे। वन धन विकास केंद्र भी बनाए जाएंगे जिसमें करीब 15 SHGs रहेंगे, 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला के एक विकास धन वन धन विकास केंद्र बनाया जाएगा। तो पहला हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, दूसरा हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला के वन धन विकास केंद्र बनाए जाएंगे, और अब तीसरा है रिटेल नेटवर्क किस तरह से बनाएंगे। हर एक वन धन विकास केंद्र आइटम को, जो भी वन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको पैकेज और उनकी मार्केटिंग का यूज़ करेगा प्रोडक्ट को बेचने में। और फाइनेंशियल सपोर्ट में अगला पॉइंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट करीब 15 लाख का दिया जाएगा हर केंद्र को, हर वन धन विकास केंद्र को। ये जो स्कीम है ये ट्राइबल एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है। ट्राइबल एंटरप्राइज किस तरह से प्रमोट होगा, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बटोरा जाता है ट्राइबल लोगों के द्वारा, उन फॉरेस्ट प्रोड्यूस में किस तरह से वैल्यू एडिशन किया जा सके, और उन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाके उनको मार्केटिंग की जा सके, उनको सेल किया जा सके। तो इसलिए ट्राइबल एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना स्टार्ट की गई है। इसमें 4 कॉम्पोनेंट मेन हैं, SHG बनाए जाएंगे, उसके बाद SHGs को मिला के वन धन विकास केंद्र बनाया जाएगा। हर एक वन धन विकास केंद्र को 15 लाख का सपोर्ट दिया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग रिटेल नेटवर्क है उसमें हर एक वन धन विकास केंद्र उस नेटवर्क का यूज़ करके केंद्र के द्वारा मटेरियल पैकेज किया जाएगा, मार्केट किया जाएगा, सेल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल एंटरप्राइज को प्रमोट करने की ये स्कीम मानी जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा ट्राइबल्स के बारे में। विंडफॉल फॉर उड़ीसा ट्राइबल्स इफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ बैंड। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर बैन होती है तो उड़ीसा के कुछ ट्राइबल्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है। ये उन ट्राइबल्स की बात की जा रही है जो पत्तों से प्लेट बनाने की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। करीब 5 मिलियन ट्राइबल्स उड़ीसा स्टेट में प्लेट मेकिंग के काम में हैं, जो पत्तों से प्लेट बनाते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो मेजर काम है वो डिस्पोजेबल आइटम्स में है, इनका नॉर्मली एक बार यूज़ किया जाता है और फेंक दिया जाता है। तो इसके लिए जो पहले यूज़ हो रहे थे आइटम्स उनमें पत्तों से बनी हुई प्लेट काफ़ी चलती थी, बट सिंगल यूज़ प्लास्टिक आने के कारण इनका प्रचलन काफ़ी कम हो गया, और जो ट्राइबल्स थे उनकी जो आजीविका है, उनकी लाइवलीहुड है, वो बहुत कम हो गई। तो उड़ीसा के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो जाता है। उड़ीसा आर करंटली मेनली जो प्लेट मेकिंग के काम में है ये हाथ से भी बनाई जाती है, मतलब प्लेट में जो प्लेट बनाने का काम होता है ये हाथ से भी किया जाता है, और मशीन स्टिचिंग मेथड से भी किया जाता है। इनमें दो पेड़ों के जो दो फॉरेस्ट स्पीसीज़ हैं उनका यूज़ किया जाता है, एक तो साल के पेड़ के पत्तों का यूज़ किया जाता है, दूसरा साइली
के पत्तों का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इससे पेट प्लेट और कप बनाए जाते हैं। तो उड़ीसा का जो पूरा मार्केट है जो पत्तों से प्लेट और कप बनाने का, ये करीब 1500 करोड़ का है। और अगर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होता है तो इनके काम में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये मार्केट और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो ये वो प्लास्टिक है जो सिंगल यूज़, यानी कि जैसा इसका नाम बताता है, एक बार ही यूज़ किया जाता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है, जो नॉर्मली डिस्पोजेबल प्लास्टिक जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाएगा, बट मार्केट में अभी और एक तरह से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के और इवन कंज्यूमर हैं, उनके दिमाग में भी काफ़ी कंफ्यूजन है, बिकॉज गवर्नमेंट के अलग अलग लीडर्स के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रिगार्डिंग अलग अलग बातें की गई हैं। कहीं बोला जाता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया जाएगा और कभी बोला जाता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है कि इसको बैन किया जाएगा 2 अक्टूबर से, और जो डिपार्टमेंट है इस पे काम करने वाला उसके द्वारा बोला जा रहा है कि कोई ऑल्टरनेटिव अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों में एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। और ये उसी तरह का कन्फ्यूज़न है जो ऑटो सेक्टर में लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से लोग गाड़ियाँ भी नहीं खरीद रहे हैं। तो अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर्स और इस ट्रेड से रिलेटेड लोगों के दिमाग में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो उनके द्वारा भी गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि इस कन्फ्यूज़न को क्लियर किया जाए और सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर बैन किया जाएगा तो उसको ऑल्टरनेटिव के रूप में कौन सा आइटम यूज़ किया जाएगा। बिकॉज अगर हम यहाँ पर इन प्लेट्स की बात करें तो ये प्लेट्स कुछ आइटम्स या कुछ पर्टिकुलर कामों के लिए तो अच्छी हैं, बट अगर हम प्लास्टिक बॉटल की बात करें या ऐसे आइटम्स की बात करें जो लिक्विड फेज़ में होते हैं, जो नॉर्मली लिक्विड रहते हैं, जैसे वाटर हो गया या कोई दवाइयाँ हो गई, उनको अगर प्लास्टिक की बॉटल नहीं मिलेगी तो उनको किस तरह के आइटम में पैक किया जा सकेगा? पत्तों में या पेपर के आइटम में वो पैक करना उनको पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, अगर पेपर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में ही पड़ता है। पेपर जितना ज़्यादा यूज़ बढ़ेगा पेपर का, उतने ही ज़्यादा पेड़ की कटाई भी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट कम करने की बात की जा रही है प्लास्टिक कम करके, प्लास्टिक का यूज़ कम करके, वो अगर पेपर बढ़ा के कंपेंसेट किया जाएगा तो एनवायरनमेंट पे और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज पेपर का जो रॉ मटेरियल है वो भी पेड़ों से ही मिलता है। तो किस तरह से ये पूरा काम किया जाने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आनी है। इसमें सरकार को कैसी क्लैरिटी देनी चाहिए? इसमें 2 मेजर क्लैरिटी हैं। एक तो अगर प्लास्टिक बैन की जाएंगी तो इनके ऑल्टरनेटिव में क्या प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा जो उस क्वालिटी उस रेट पे मिल सके लोगों को, कंज्यूमर पे एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। पहली चीज़ ऑल्टरनेटिव की बात हो गई। दूसरी चीज़, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो अभी तक हैं उनको रिसाइकिल का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रॉपर रिसाइकिल किया जाए तो ये जो बड़ा एक चैलेंज बना है, काफ़ी लेवल पे ये चैलेंज कम हो सकता है। तो इसकी रिसाइकिलिंग की जो प्रोसेस कितनी फास्ट हो सकती है और किस तरह से रिसाइकिलिंग को तेज किया जाएगा, इसमें भी क्लैरिटी लानी बाकी है गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से इस इशू को सॉल्व किया जाना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर बोट रेस की बात की गई है। स्नेक बोट के द्वारा बोट रेस की जाती है मेनली केरला में, और केरला में पंपा रिवर का यहाँ पर मेंशन किया गया है। पंपा रिवर केरला में स्नेक बोट के रेस के लिए काफ़ी फेमस है, और स्नेक बोट जब भी पूछी जाए तो केरला में मेनली रेसिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर जवाहर ट्रॉफी एक इवेंट है जो काफ़ी फेमस है, और वो स्नेक बोट की रेस का ही इवेंट है जो केरला में आयोजित किया जाता है हर साल। नेक्स्ट न्यूज़ है, केसीआर ओपोजेस यूरेनियम माइनिंग प्लान। अब तेलंगाना में नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में यूरेनियम की जो है माइनिंग की जा रही थी, उसके कारण नल्ला मल्ला के आसपास जितने भी विलेजर्स रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने इस माइनिंग का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, बिकॉज यूरेनियम माइनिंग की वजह से ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा फैल गया है। वहाँ की मिट्टी और वहाँ का पानी बहुत
ज़्यादा दूषित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गए हैं, जिस कारण से ऑपोजिशन के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा भी यही बोला गया है कि यूरेनियम माइनिंग नहीं होनी चाहिए, और यूरेनियम माइनिंग को अपोज किया गया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो यूरेनियम माइनिंग मेनली कहाँ पर की जाती है? इंडिया में यूरेनियम माइनिंग मेनली होती है झारखंड के एरिया में, तमिलनाडु, झारखंड में, और तेलंगाना में नल्लामल्ला एरिया में, इसके अलावा उड़ीसा के कुछ भागों में, और मेघालय में भी यूरेनियम पाया जाता है, तो वहाँ पर भी यूरेनियम माइनिंग होती है। तो यूरेनियम रिजर्व मेनली झारखंड में पाए जाते हैं, नल्लामल्ला तेलंगाना में और मेघालय में। नेक्स्ट न्यूज़ है वल्चर कल्चर के बारे में। वल्चर कल्चर, हाउ द बर्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम एक्सटेंशन। पिछले कुछ सालों में वल्चर की जो संख्या है काफ़ी डाउन हुई थी, और इसका जो कारण था वो था डिक्लोफेनाक, जो कैटल्स को एक दवाई, वेटनरी की दवाई दी जाती है, उसके कारण इनकी संख्या बहुत कम हो रही थी, जिस कारण से वल्चर को सेव करने की मुहिम चलाई गई, और अब इस मुहिम के कारण काफ़ी संख्या में वल्चर्स को बचाया गया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है उससे भी पहले की, यानी लेट 1990s में, जब पॉपुलेशन ऑफ वल्चर स्टार्ट हुई थी कम होना, उस समय वाइट बैक्ड वल्चर को रेस्क किया गया था केलादेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ से वाइट बैक्ड वल्चर को रेस्क कर के एक वल्चर केयर सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था हरियाणा में पिंजौर नामक जगह पे। तो एक वल्चर केयर सेंटर है जहाँ पर वल्चर्स की केयर की जाती है पिंजौर हरियाणा में, वहाँ वल्चर्स को लाया गया था केलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान से, और वल्चर को एक तरह से ग्रूम किया गया, उनकी केयर की गई, और उनकी जो पॉपुलेशन कम हो रही है उस कारण से वल्चर एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तो उन इस एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए वल्चर्स को इस केयर सेंटर पे लाया जाता है। ये इंडिया में सोल फैसिलिटी है, मतलब एकलौती ऐसी फैसिलिटी है जो वल्चर्स के कंजर्वेशन में काम कर रही है, और पिछले दो दशकों से इसी काम में लगी हुई है। अभी के टाइम में करीब 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है। तो यहाँ पर हमने बात की वल्चर केयर सेंटर की, जो पिंजौर हरियाणा में है, जो एकलौती फैसिलिटी है जो वल्चर केयर के लिए काम करती है। इसके अलावा 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर भी हैं इंडिया में, जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, और इस सोसाइटी के द्वारा और इस सेंटर्स के द्वारा 3 जो वल्चर की स्पीसीज़ हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है। वो 3 स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं? वो 3 स्पीसीज़ हैं वाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ये 3 स्पीसीज़ काफ़ी अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में है, और इनको जो है संरक्षण की, कंजर्वेशन की खासा ज़रूरत है। वल्चर एक तरह से स्लो ब्रीडिंग बर्ड है, मतलब इनकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है काफ़ी स्लो होती है, और अगर इनकी पॉपुलेशन के लिए कोई खतरा हो जाए और ब्रीडिंग बहुत स्लो हो तो इनके एक्सटिंक्ट होने का, यानी कि इनकी पूरी स्पीसीज़ के ख़त्म होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो इन चांसेस को कम करने के लिए, वल्चर पॉपुलेशन को सेव करने के लिए ये ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं। वल्चर का जैसे अभी मैंने बताया कि वल्चर्स की जो पॉपुलेशन पिछले 4-5 सालों में काफ़ी डाउन हुई है, काफ़ी कम हुई है, वो कैटल्स को खाने के कारण जो डिक्लोफेनाक ड्रग है उसके कंजम्पशन के कारण हुई है। नॉर्मली जो कैटल्स होते हैं उनको बचाने के लिए और उनको बीमारियों से दूर करने के लिए डिक्लोफेनाक नाम की एक जो वेटनरी मेडिसिन है वो दी जाती है। वो कैटल्स के लिए तो काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, बट कैटल्स कि जब जान चली जाती है या कैटल जब मर जाते हैं और वल्चर्स कैटल्स को खाते हैं, तो वो डिक्लोफेनाक नाम की जो वैक्सीन है वो कैटल्स की बॉडी में रहती है, और जैसे ही वल्चर के द्वारा वो वैक्सीन कंज्यूम की जाती है वो वल्चर्स के लिए वो जानलेवा साबित होती है। उसके कंजम्पशन के कारण वल्चर्स की जो है काफ़ी संख्या में डेथ होती हुई देखी गई है। तो इस वेटनरी की ड्रग को 2008 में इस कारण से ही बैन कर दिया गया था, और अब उस बैन होने के कारण वल्चर्स की संख्या जो कम हो रही थी बहुत तेज़ी से, उस स्पीड में काफ़ी कमी आई है। तो ये जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है वल्चर्स के, इनके द्वारा वल्चर्स को कंजर्व किया जा रहा है और वल्चर्स की संख्या बढ़ाई जाने का काम किया जा रहा है।
और वल्चर्स का जो स्टेटस है वो स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का, जो IUCN की रेड लिस्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है सिंस 2002 से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं वल्चर, और इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हुई है। इंडियन वल्चर मेनली डिक्लोफेनक की वजह से ही मर रहे हैं, और इनको बचाने के लिए डिक्लोफेनक को बैन किया गया था, और उसके कारण थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है इनकी संख्या में। इनकी जो ब्रीडिंग है बहुत स्लो होती है, और इनकी ब्रीडिंग के जो लोकेशन है वो मेनली हिली एरियाज में देखे जा सकते हैं, सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में हिल्स में ये वल्चर पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सर्वे ऑफ इंडिया टू डिप्लॉय 300 ड्रोन्स फॉर मैपिंग कंट्री। अब कंट्री को पूरी तरीके से मैप करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 300 ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया हिस्टोरिकली जो पूरे टाइम से भारत में इंडिया को यानी कंट्री को मैप करने का काम करता है, और पहली बार ड्रोन्स किया यूज़ करके अब इंडिया का मैप रेडी किया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर काम है, ये जो एक्शन है, ये मैपिंग को बेटर बनाने के लिए किया जा रहा है, और अच्छे रिजोल्यूशन के कैमरों का यूज़ किया जाएगा इन ड्रोन्स में, ताकि जो आबादी के एरिया हैं उनको अच्छे से मैप किया जा सके, और जितने भी लैंड टाइटल्स हैं यानी कि जो भी लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हों उनको डिजिटाइज किया जा सके। अभी हम करेंटली देखें तो सर्वे ऑफ इंडिया के जो मैप्स हैं उनका रिजोल्यूशन 1:250,000 का है, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैप में जो एरिया दिखाया जाता है वो एक्चुअल में 2,500 सेंटीमीटर ग्राउंड का एरिया होता है। लेकिन अगर UAV का यूज़ किया जाए, ड्रोन का यूज़ किया जाएगा और हाई रिजोल्यूशन कैमरे का यूज़ किया जाएगा, तो ये ही जो रिजोल्यूशन है ये 1:250,000 से 1:500 तक पहुंच जाएगा, यानी कि रिजोल्यूशन बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगा इन ड्रोन्स का यूज़ करने के बाद। और 1 सेंटीमीटर का एरिया जो पहले 2,500 सेंटीमीटर का रियल एरिया को रिप्रेजेंट करता था, अब वो केवल 500 सेंटीमीटर के एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ज़्यादा क्लियर मैप्स आएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज के बाद जो मैप्स मिलेंगे वो काफ़ी हायर क्वालिटी के होंगे, काफ़ी बड़े रिजोल्यूशंस के साथ बनाए जाएंगे। इस एक्सरसाइज का एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो नेगेटिव पॉइंट है ड्रोन्स के यूज़ किए जाने के कारण ये पूरी एक्सरसाइज काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाने वाली है, तो खर्चा बढ़ने वाला है। लेकिन उसके बाद जो मैप्स बनेंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे, बेटर क्वालिटी के होंगे, और उनका यूज़ करके पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो भी बढ़ाई जा सकती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज के कारण। इस एक्सरसाइज का टारगेट है कि कंट्री की 75% ज्योग्राफी को मैप किया जाए, यानी पूरी कंट्री को मैप नहीं किया जाना है, इनमें मेनली आबादी एरिया को ही मैप किया जाएगा, जिस एरिया में लोग रहते हैं उन्हीं एरिया को मैप किया जाएगा, सो दैट जो लोगों की लैंड है और उससे रिलेटेड जो लैंड टाइटल्स है, लैंड डॉक्यूमेंट्स है, उनको प्रॉपरली डिजिटाइज किया जा सके। जितने भी एरिया फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, हिल्स के अंदर आते हैं या फिर डेजर्ट के लिए अंदर आते हैं, वो अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, और इसी डिपार्टमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। जो मेजर कॉन्सिक्वेंस है ड्रोन बेस्ड एक्सरसाइज का, यानी इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, वो होने वाला है कि जितने भी सेटल्ड हैबिटेशंस हैं विलेजेस में, सेटल्ड एरिया है, वो मैप किए जाएंगे, और उसके बाद एक्यूरेट मैप्स रेडी किए जा सकते हैं, लैंड टाइटल डील्स उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जा सकती है, और डिजिटाइजेशन की प्रोसेस भी स्पीडी की जा सकती है। अब यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है, जिसका मेन काम है मैपिंग और सर्वे करना कंट्री में। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी, 1767 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इंडिया का यह ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट माना जा सकता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं ये सिविल सर्विस से होते हैं, सिविल सर्विस कैडर से होते हैं, और दूसरे आर्मी ऑफिसर्स भी इसमें एम्प्लॉय किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में, और अभी के टाइम के इसके जो
हेड हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है और अभी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के। यहाँ पर बात की गई है ईरान के बारे में। अब सऊदी अरेबिया के ऑयल प्लांट पे अटैक किया गया है यमन के रिबेल्स के द्वारा, और इस अटैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यमन के हाउथी ग्रुप्स के द्वारा ली गई है। यानी कि हाउथी ग्रुप्स जो यमन में, यमन एरिया में रहता है, यमन में रहता है, उसके द्वारा क्लेम किया गया है कि सऊदी अरेबिया के ऑयल प्लांट में अटैक उन्हीं के द्वारा किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है बिकॉज ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में, करीब 3 से 4 साल से सऊदी अरेबिया और यमन के बीच वॉर चल रही थी, और सऊदी अरेबिया एक्सेसिवली यमन पे अटैक करने में लगा हुआ था, जिसके कारण ये एज ए रिवेंज की तरह यमन के हाउथी रिबेल्स के द्वारा ये यूज़ किया गया है और सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े ऑयल प्लांट पर अटैक किया गया है। सऊदी ने काफ़ी कंट्रीज़ को भी अपने साथ में मिला लिया था और उनसे ऐसा बोला था कि यमन को ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन में बढ़ सकता है। उसके कारण ये पूरा जो युद्ध है यमन और सऊदी अरेबिया का, ये 3 से 4 साल तक चल रहा था। अब यमन के हाउथी ग्रुप के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी यूएसए के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि इस पूरे युद्ध में, इस अटैक में मेनली ईरान जिम्मेदार है और यमन का कोई हाथ नहीं है। तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि ईरान कहीं ना कहीं इस अटैक में शामिल है, बट ईरान के द्वारा ये बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। ईरान ने बोला कि इस अटैक में उनका कोई हाथ नहीं है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के इस प्लांट के बारे में, तो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा प्लांट है और इसके कारण 5 से 6% ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम हो सकती है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने ऐसा बोला है कि वो सप्लाई कम नहीं होने देगा और जो बाकी के रिज़र्व हैं इसके, वहाँ से सप्लाई को पूरा किया जाएगा। बट अगर सप्लाई कम होती है तो इसके कारण $3 से $5 पर बैरल जो ऑयल का प्राइस है वो बढ़ने की संभावना है वेस्ट एशिया में। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वर्ल्ड का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर माना जाता है सऊदी अरेबिया को, और करीब 7 मिलियन बैरल ऑयल यह हर दिन एक्सपोर्ट करता है। मतलब हर दिन एक्सपोर्ट करता है 7 मिलियन बैरल ऑयल, मतलब 70 लाख बैरल हर दिन का एक्सपोर्ट होता है सऊदी अरेबिया से। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस ऑयल की सप्लाई की कमी के कारण वर्ल्ड के ऑयल प्राइस में अगर बढ़ोतरी होती है तो बाकी देशों के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन है, हांगकांग प्रोटेस्टर्स कॉल टू यूनाइटेड किंगडम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम चाइना। हांगकांग के प्रोटेस्टर्स के द्वारा यूनाइटेड किंगडम से हेल्प मांगी गई है और उनके द्वारा यूनाइटेड किंगडम से बोला गया है कि वो प्रोटेक्ट करे हांगकांग को चाइना से। अब ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज हांगकांग 1997 से पहले यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी थी और यूनाइटेड किंगडम ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, कुछ शर्तों पे ही हांगकांग का एरिया को चाइना को दिया था। अब चाइना के द्वारा ऐसी शर्तों, इन शर्तों को वायलेट किया जा रहा है और अपने नियम थोपे जा रहे हैं, ऐसा कहना है प्रोटेस्टर्स का। इस कारण से प्रोटेस्टर्स ने चाइना के अगेंस्ट जाके यूके से, यूनाइटेड किंगडम से हेल्प मांगी है। ये जो पूरा मूवमेंट है ये एक बिल से स्टार्ट हुआ था, जो एक्सट्रेडिशन बिल चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाना था। हांगकांग प्रोटेस्टर्स के द्वारा ऐसा बोला गया कि ये एक्सट्रेडिशन जो बिल है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करने वाले लोगों की आवाज़ दबाने के लिए लगाया गया है, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर इंक्रीज़ हो गया। अभी कुछ दिन पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इस बिल को पूरी तरह वापस ले लिया गया है, बट स्टिल प्रोटेस्टर्स लगातार ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दे इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान इंक्लूड हो गए और बहुत ही बड़े लेवल पे ये प्रोटेस्ट अब बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में यूएसए से भी हेल्प मांगी गई थी इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा, और अब यूनाइटेड किंगडम जो कि पहले हांगकांग पे राज करता था उसके द्वारा हेल्प मांगी गई है। तो चाइना के लिए बहुत
बड़ा चैलेंज सामने निकल के आ रहा है, अगर यूनाइटेड किंगडम भी इन प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में आ जाता है तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो ये थे आज के न्यूज़। जाने से पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। यूएनसीसीडी को 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क जो कि डेजर्टिफिकेशन के प्रॉब्लम को रोकने के लिए लाया गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदुस्तानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर इंफॉर्मेशन पोर्टल जिसका नाम है सूचना पोर्टल, ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।